हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। और गाइज, आज इस वीडियो में हम AEW की कुछ ऐसी अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो शायद आपको पहले से पता होगी, और गाइज ऐसी भी अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो शायद आपको पता नहीं होगी, और गाइज कुछ ऐसी भी अपडेट्स है जो आपको जरूर जान लेने चाहिए। तो गाइज, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एज और AEW के बारे में। AEW की तरफ से कन्फर्मेशन आ गई है कि कब खाएंगे कोडी 10 लैशेस, और गाइज AEW स्टार ने इन्वाइट किया था रॉयल रंबल। तो गाइज इस वीडियो में बहुत सारी बातें होंगी, तो गाइज ये वीडियो आखिर तक जरूर देखना। और गाइज चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो गाइज सबसे पहले बात करते हैं एज और AEW की। तो गाइज मुझे लगता है कि ये अपडेट आपको पता होगी, लेकिन गाइज फॉर्मेलिटी के लिए मैं ये बता देता हूँ। तो गाइज कल आपने रॉयल रंबल तो जरूर देखी होगी, और गाइज मैंने भी रॉयल रंबल देखी थी, और गाइज रॉयल रंबल देखते समय नंबर 21 की एंट्री पर मैं बहुत शॉक हो गया था। और गाइज मुझे पता था कि रॉयल रंबल में एज अपना रिटर्न करने वाले है, लेकिन गाइज इसके बावजूद भी जब एज ने नंबर 21 पर अपना रिटर्न किया, तब गाइज मैं एज को देखकर बहुत ही एक्साइटेड और शॉक में था। और गाइज एज ने 9 सालों के बाद WWE रिंग में वापसी कर अच्छी खासी परफॉर्मेंस दी। लेकिन गाइज हम एज की परफॉर्मेंस के बारे में बात नहीं करने वाले, बल्कि ये बात करने वाले हैं कि WWE से पहले एज कहाँ थे। तो गाइज रिपोर्ट्स ऐसी आ रही है कि गाइज WWE में अपना रिटर्न करने से पहले एज AEW के साथ बातचीत कर रहे थे, और गाइज उस समय तक एज अपने आप को रेसल करने के लिए फिट महसूस कर रहे थे, और गाइज AEW भी एज को अपनी कंपनी में लाना चाहती थी, और गाइज शायद हमें एज AEW में भी देखने को मिलते। लेकिन गाइज जब इस बात का पता WWE को चला, तो गाइज WWE ने एज को बहुत सारी पैसों की ऑफर दी, और गाइज WWE ने एज को ये कहा, हम तुम्हें रेसल करने की इजाज़त देंगे, लेकिन सिर्फ तब जब तुम्हें डॉक्टर्स क्लियर करेंगे। और गाइज एज को तो डॉक्टर ने क्लियर कर दिया था, और गाइज AEW से भी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट WWE की तरफ से एज को मिलने की वजह से गाइज एज ने WWE साइन कर ली। लेकिन गाइज अगर शायद आज WWE को ये बात पता नहीं चलती कि एज AEW के साथ बातचीत कर रहे हैं, और गाइज एज जाने वाले हैं AEW में, तो फिर गाइज आज एज हमें AEW में देखने को मिल सकते थे। और गाइज अगर आज AEW में एज आते, तो गाइज एज को AEW में देखना थोड़ा सा ऑकवर्ड तो जरूर होता, लेकिन गाइज AEW की तरफ से ये एक बहुत ही जबरदस्त चाल होती। और गाइज क्या पता हमें शायद AEW में केनी ओमेगा वर्सेस एज ये मैच भी देखने को मिल सकता था। लेकिन गाइज AEW से ज्यादा WWE में एज के ड्रीम मैचेस है, और गाइज मैं तो चाहूंगा कि WrestleMania 36 में एज फेस करे सेथ रॉलिंस को। लेकिन गाइज मुझे लगता है कि WWE की बातें बहुत हो गई, और अब हम बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक यानी AEW की। गाइज आगे बढ़ते हैं, लेकिन ऐसे ही AEW से जुड़ी हुई सभी न्यूज रूमर्स और अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और हाँ बेल आइकन दबाना भी मत भूलना। तो गाइज AEW की तरफ से कन्फर्मेशन आ गया है कि गाइज कब कोडी MJF की दूसरी स्टिपुलेशन कम्प्लीट करेंगे। और गाइज अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि गाइज MJF की दूसरी स्टिपुलेशन ये है कि कोडी को खाने पड़ेंगे लाइव टीवी पर 10 कोड़े, और गाइज कोडी ने तो ये स्टिपुलेशन मान ली थी। लेकिन गाइज इस स्टिपुलेशन पर AEW की तरफ से कंफर्मेशन आई है, और गाइज हमें ये पता चल गया है कि कब खाएंगे कोड़ी लाइव टीवी पर 10 कोड़े। और गाइज AEW का 5 फरवरी का जो शो होने वाला है, उस शो के लिए AEW ने एडवर्टाइज कर दिया है कि गाइज कोड़ी उस शो पर खाएंगे MJF की तरफ से 10 कोड़े। और गाइज 5 फरवरी मतलब कोड़ी नेक्स्ट वीक खाने वाले है MJF की तरफ से 10 कोड़े। और गाइज हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कोड़ी क्या क्या करते हैं, क्योंकि गाइज रेसलिंग तो ठीक है, और गाइज AEW रेसलिंग कंपनी है, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। लेकिन गाइज लाइव टीवी पर 10 कोड़े खाना ये किसी टॉर्चर से कम नहीं है, और गाइज हमें देखना पड़ेगा कि AEW इस चीज़ को कैसे एग्जीक्यूट करती है। और गाइज अब हम बढ़ते हैं हमारी फाइनल अपडेट की तरफ, और जानते हैं कि कैसे AEW स्टार ने किया रॉयल रंबल का शो इन्वेट। तो गाइज आपको तो ये पता ही होगा कि इस साल के रॉयल रंबल ह्यूस्टन टेक्सास में थी, और गाइज इसी जगह जब रॉयल रंबल हो रही थी तब वहाँ AEW के स्टार मौजूद थे, वो कोई और नहीं बल्कि इनर सर्कल के मेंबर सैमी गवेरा थे। और गाइज सैमी गवेरा ने यहाँ इस शो पर इन्वेट किया है। गाइज सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि AEW की तरफ से ये कोई इन्वेशन नहीं था, बल्कि ये इन्वेशन खुद सैमी गवेरा ने किया था। गाइज मैं आपको बता दूं कि सैमी गवेरा ने रॉयल रंबल शो अटेंड कर इन्वेट नहीं किया, जैसे कि पहले एंजो अमोरे ने किया था, बल्कि गाइज सैमी गवेरा ने रॉयल रंबल शुरू होने से पहले पार्किंग लॉट में रॉयल रंबल शो को इन्वेट किया था। और गाइज ये कोई AEW की तरफ से सीरियस इन्वेशन नहीं था। गाइज जब रॉयल रंबल हो रही थी तब सैमी गवेरा ह्यूस्टन टेक्सास में ही मौजूद थे, और गाइज जब सैमी गवेरा को पता चला कि यही होने वाली है रॉयल रंबल, तो गाइज सैमी गवेरा ने WWE के मजे लेने के लिए और रॉयल रंबल को इन्वेट करने के लिए एक टॉय टैंक खरीदा, और गाइज इसी टैंक में बैठकर सैमी गवेरा ने रॉयल रंबल का शो इन्वेट किया था। गाइज ये कोई बड़ा इन्वेशन तो नहीं था, लेकिन गाइज ये बहुत बड़ा फनी इन्वेशन तो जरूर था, क्योंकि गाइज जितने भी लोग वहाँ रॉयल रंबल का शो देखने आए थे, उन सभी लोगों ने सैमी गवेरा के लिए चीयर किया। और गाइज इतना ही नहीं, बल्कि सभी लोगों ने AEW की भी चैंट्स लगाए। गाइज मुझे तो ये पता नहीं है कि वहाँ की सिक्योरिटी ने ये सब कैसे हैंडल किया, लेकिन गाइज ये कोई सीरियस इन्वेशन तो नहीं था। और गाइज मैं आपको ये भी बता दूं कि इस इन्वेशन के बाद AEW पर कोई केस भी नहीं होगी, और गाइज सैमी गवेरा
तो जेल भी नहीं जाएंगे, क्योंकि गाइस सैमी गेवेरा तो वहाँ सिर्फ लोगों को एंटरटेन कर रहे थे। तो गाइस ये थी आज के लिए AEW से जुड़ी हुई सभी न्यूज, रूमर्स और अपडेट्स। तो गाइस वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग।